नमस्कार, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्सिडी आना बंद हो चुका है तो उसको कैसे शुरू करना है, कैसे स्टार्ट करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लाइव करके बताने वाला हूं। उसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस टाइप की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो आपको अपनी मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पे आना है। आने के बाद आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन करके लेना है। ओपन कर देने के बाद आपको सर्च बार में टाइप कर देना है myLPG.in। टाइप कर देने के बाद सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा myLPG.in, उसके ऊपर क्लिक करके लेना है। क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पे स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल कर देने के बाद हमें HP गैस इसके ऊपर क्लिक करके लेना है। क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करके लेना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे राइट साइड में एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा न्यू यूज़र, उसके ऊपर टिक करके लेना है। टिक कर देने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है क्विक सर्च और दूसरा जो ऑप्शन है नॉर्मल सर्च। क्विक सर्च में अगर आपको LPG ID पता है तो आपको यहाँ पे LPG ID टाइप कर देना है। अगर आपको LPG ID पता नहीं है तो उसके नीचे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे टाइप करके लेना है। उसके नीचे इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप कर देने के बाद प्रोसीड्स बटन पे क्लिक करके लेना है। प्रोसीड्स बटन पे क्लिक कर देने के बाद आपको ID और पासवर्ड क्रिएट करके लेना होगा। मैंने पहले से ही ID और पासवर्ड क्रिएट करके रखा है। इसके लिए मैं साइन इन इस बटन पे क्लिक करके लेता हूँ। साइन इन बटन पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके लेना है। स्क्रॉल कर देने के बाद हमें यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर या email ID टाइप कर देना है। उसके नीचे इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप कर देने के बाद लॉग इन इस बटन पे क्लिक करके लेना है। अभी जो आपने पासवर्ड क्रिएट करके रखा था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको लॉग इन इस बटन पे क्लिक करके लेना है। लॉग इन इस बटन पे क्लिक कर देने के बाद देखिए आपके सामने पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमें थोड़ा स्क्रॉल करके लेना है। स्क्रॉल कर देने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा इनकम डिक्लेरेशन, उसके ऊपर क्लिक करके लेना है। क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पे कंज्यूमर इनकम सेलेक्ट करके लेना है। अगर आपका 10 लाख से अधिक का ईयरली इनकम है तो आपको पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके लेना है। अगर आपका 10 लाख से कम ईयरली इनकम है तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके लेना है। तो हमारा 10 लाख से कम ईयरली इनकम है तो मैं सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके लेता हूँ। सेलेक्ट कर देने के बाद हमें यहाँ पे सपोज इनकम सेलेक्ट करके लेना है। फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हमें यहाँ पे किसका इनकम सेलेक्ट करके लेना होगा। वो डाउट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके देता हूँ। अगर आपका गैस कनेक्शन पत्नी के नाम पे है तो सपोज इनकम में पति का इनकम सेलेक्ट करके लेना है। अगर आपका गैस कनेक्शन पति के नाम पे है तो सपोज इनकम में पत्नी का इनकम सेलेक्ट करके लेना है। उनका इनकम अगर 10 लाख से कम है ईयरली तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके लेना है। सेलेक्ट कर देने के बाद थोड़ा स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल कर देने के बाद देखिए आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ चुका है जिसमें लिखा गया है कि अगर आपका और सपोज मेंबर का 10 लाख से कम एनुअली इनकम है तो आप एलिजिबल होते हो LPG सब्सिडी लेने के लिए। अगर आपके पास पैन नंबर है दोनों का भी तो आप पैन नंबर नीचे दिए गए बॉक्स में टाइप करके ले सकते हो। उसके बाद हमें स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल कर देने के बाद हमें यहाँ पे पैन नंबर टाइप कर देना है। हमें यहाँ पे पैन नंबर टाइप कर देना है सेल्फ खुद का। उसके नीचे हमें पैन नंबर टाइप कर देना है सपोज मेंबर का। पैन नंबर टाइप कर देने के बाद हमें यहाँ पे एक टिक दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर टिक कर देना है और उसके नीचे सबमिट इस बटन पे क्लिक करके लेना है। सबमिट इस बटन पे क्लिक कर देने के बाद देखिए आपका जो डिटेल्स है वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आप अपना गैस सब्सिडी शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।